आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन के टाइप्स, माइक्रोफोन का बेसिक फंडा, जो कि बेसिक प्रिंसिपल रहता है। कोई भी माइक्रोफोन उठा के लीजिए, उसमें बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा जो कि इस डायग्राम में दिखा हुआ है। ओके, हमें इतने माइक्रोफोन दिखने हैं क्योंकि ऐसे हमारे सिलेबस में, इंजीनियरिंग सिलेबस में इतने माइक्रोफोन पूछे जाते हैं। बाकी जो भी आप नेट पे सर्च करोगे, इधर उधर से ले जाओगे, वो यूजुअली यूज होने वाले माइक्रोफोन्स हैं जो कि यूज़ होते हैं कहीं पे भी, किसी भी एप्लीकेशन में। बट हमें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, इतने ही टाइप के माइक्रोफोन्स हैं। ओके, तो उसमें आते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन, डायनेमिक माइक्रोफोन, रिबन कार्बन, देन पाइज़ोइलेक्ट्रिक एंड क्रिस्टल माइक्रोफोन। कोई भी माइक्रोफोन उठा के लीजिए, उसका बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। साउंड स्ट्राइक होगा पहले डायफ्राम पे। डायफ्राम एक टाइप का स्प्रिंग रहता है जो डिफ्लेक्ट होता है, उसके साथ कनेक्टेड रहती है कॉइल। ये जो आप कॉइल, ये डायफ्राम और ये साउंड, इस पर स्ट्राइक होगा, ये वाइब्रेट होगी। उसके बाद कॉइल इससे कनेक्टेड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, उसमें फ्लक्स कट होंगे, EMF इंड्यूस होगा और कुछ करंट, कुछ अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट में, माइक्रो में, एक माइक्रो एम्पियर में करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, हो गया करंट प्रोड्यूस। करंट प्रोड्यूस होने के बाद वो जाएगा एम्पलीफायर के पास, जो कि एम्पलीफायर मॉडिफाई करती है अपने सिग्नल को, मतलब वो करंट जो आता है उसको मॉडिफाइड करेगी। ओके, और एम्पलीफायर से मॉडिफाइड होने के बाद वो करंट डायरेक्ट स्पीकर को जाएगा, स्पीकर जो कि वाइस वर्सा है माइक्रोफोन के, उल्टा काम करती है। हमारे इसमें पहले साउंड आता है, फिर माइक्रो डायफ्राम पे वो स्ट्राइक होता है, उसके बाद कॉइल को लगता है और उसके बाद करंट इंड्यूस होता है। स्पीकर में सब उल्टा होता है, सबसे पहले करंट उसके पास जाएगा, वो कॉइल में जाएंगे, कॉइल के पास से डायफ्राम में जाएगा, डायफ्राम वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम की, तो ये ब्लॉक डायग्राम शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैंने बनाई है एक आइडिया के लिए। ओके, साउंड स्ट्राइक्स ऑन डायफ्राम, ओके, जो कि हमने यहाँ पे देखा, साउंड स्ट्राइक ऑन डायफ्राम, देन डायफ्राम वाइब्रेट्स। ओके, डायफ्राम वाइब्रेट, देन कॉइल मूव, क्योंकि कॉइल है कनेक्टेड डायफ्राम से, कॉइल मूव होगी। एक बार कॉइल मूव हो गई, फिर तो बच्चा बच्चा जानता है कि उसमें EMF इंड्यूस होगा। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट मैंने दिखाया हुआ है, ये मैग्नेट, उसके बाद करंट जैसे ही इंड्यूस हो जाएगा कुछ तो भी मिली एम्पियर में, ओके, फिर वो जाएगा एम्पलीफायर पे। ये जो दिखाया हुआ है, दिस इज एम्पलीफायर, और ये एम्पलीफायर में जाएगा, उसके बाद जाएगा वो स्पीकर के लिए। स्पीकर क्या करता है, इसके अपोजिट हुआ करता है। स्पीकर का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, आपको डाल दूंगा। ओके, अब जो माइक्रोफोन है, यूजुअली हम उसको माइक करके जानते हैं। ओके, माइक करके वो मार्केट में भी अवेलेबल रहता है, उसकी डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज माइक। ओके, तो ये जो है ऊपर का, उसका कवरिंग रहता है, उसके अंदर हमारा रहता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है, ये वाला इधर दिखाया हुआ है, वो इधर डायफ्राम रहता है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, इसमें वो हाइब्रिड होता है, इसके बाद रहती है कॉइल, कॉइल के बाद वो मैग्नेट से कनेक्टेड रहती है, उसके बाद यहाँ पे करंट जनरेट होता है, करंट जनरेट होने के बाद वो जाता है वायर के साथ एम्पलीफायर में। ओके, ऐसे कुछ तो भी एम्पलीफायर में जाता है, उसके बाद वो जाता है स्पीकर को। ओके, दिस इज लाउड स्पीकर। इसी चीज़ की मैंने PDF नोट्स बनाई हुई है, ये PDF नोट्स जो कि ओरिजिनल नोट्स हैं, जिसको मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ अभी विद द हेल्प ऑफ नोट्स जो कि मैंने हाथ से बनाई हैं, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्ट PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फेंट साउंड जनरेट बाय एनी ह्यूमन और इंस्ट्रूमेंट विच इज हैविंग लो एम्पलीट्यूड इज स्ट्राइक ऑन द डायफ्राम ऑफ द माइक्रोफोन and due to the sound energy the diaphragm vibrates. okay, as the diaphragm vibrates the coil is in contact with the diaphragm is also vibrate and the coil which is placed into permanent magnet is move and due to it the voltage is created and current produced. the current then pass through the wire up to amplifier and amplify the amplitude
of the current and then it passes through the loudspeaker, which is work exactly opposite to the microphone. Okay, आप जरूर इस नोट्स को डाउनलोड कीजिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो थैंक यू. और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप बता दो, मैं 24 आवर्स के अंदर ट्राई करूंगा आपको वीडियो पहुंचाने की. ओके थैंक यू. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.